यूपी के झांसी में धीरे धीरे कोरोना अपने पांव पसार रहा है। झांसी में कोरोना से पहली मौत भी हो गई है। झांसी में हॉटस्पॉट एरिया सैयर गेट के रहने वाले माधव घोष नाम के 63 वर्षीय वृद्ध की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई है। उनका सैंपल कल ही जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए थे। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि दिसंबर में उनकी एक सर्जरी हुई थी, उन्हें शुगर व अन्य बीमारियां भी थी। लगभग 6 माह से वह बिस्तर पर थे। बीती रात उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ लिया। फिलहाल झांसी में कोरोना के अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में लॉकडाउन 3.0 में कुछ छूट दी गई है। लॉकडाउन 3.0 में थोड़ी ढील मिलते ही मंडियों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। यूपी के फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र की मंडी में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही मंडी में मौजूद किसी शख्स ने मास्क पहना था। इसके अलावा वहां मौजूद पुलिस महकमा भी चाय की चुस्की लगाने में मस्त था। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच देश में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 193 नागरिकों को बाघा बॉर्डर के जरिए अपने देश वापस लौटने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत ने यह कदम उठाया है। पाकिस्तानी नागरिक बाघा बॉर्डर के रास्ते अपने देश वापस जाएंगे। लॉकडाउन के कारण बाघा बॉर्डर की सीमा बंद हो गई है। पाकिस्तानी नागरिक लॉकडाउन और बाघा सीमा बंद होने की वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। हम 2.5 महीने यहाँ रहे, हमारा वीज़ा 45 डेज का था, उसी बीच लॉकडाउन हो गया। हम सुन रहे थे कि बॉर्डर सील होने वाला है, तो हम करा रहे थे टिकट, लेकिन 20 को बॉर्डर सील हो गया। 24 को जाने वाले थे, 24 मार्च को जाने वाले थे, लेकिन 20 को बॉर्डर ही सील हो गया, तो वीज़ा बढ़ाना पड़ा। 2.5 महीने हम यहाँ रहे हैं, अब अपने गांव वापसी जा रहे हैं, मतलब वापसी जा रहे हैं। बस यही है कि अच्छे से पहुँच जाएँ अपने गाँव से। पंजाब के जिला लुधियाना में कोरोना को लेकर लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 3,253 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से लुधियाना में कोरोना वायरस के 110 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 8 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं और कोरोना वायरस की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और लुधियाना में अब कोरोना के 97 एक्टिव केस है। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने इस संबंध में जानकारी दी। साथ ही प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए लगातार नोडल अफसरों की तरफ से संबंधित राज्यों से बातचीत की जा रही है। अज मिति 4 मई 2020 तक जिला लुधियाना विच जिन्ने भी सैंपल असी कलैक्ट किए हैं, तकरीबन 3,253 सैंपल जिहड़े हैगे इकट्ठे किए ने। हुण तक उहदे विचों जिला लुधियाना नाल संबंधित 110 केसेज जिहड़े हैगे उह पॉजिटिव पाए गए ने। 18 केसेज जिहड़े हैगे उह बाहरले जिलियां दे हैगे जिहड़े कि इत्थे पॉजिटिव पाए गए ने। कुल मिला के 128 केस जिहड़े हैगे हुण तक लुधियाना विच पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, लेकिन 110 जिहड़े हैगे उह लुधियाना डिस्ट्रिक्ट नाल बिलोंग करते हैं। पंजाब के अमृतसर में गरीब परिवारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमृतसर के वेरका में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब वेरका के लोग कर्फ्यू में राशन न मिलने की वजह से शांतिपूर्वक नवजोत सिंह सिद्धू और पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी स्थानीय पार्षद का पति अपने साथियों के साथ वहां आया और उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों में अकाली दल के लोग भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वह राशन न मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे थे। अज साढ़े वेरके काफ़ी लंबे समय तो ना कोई परिवारों राशन नहीं सी पहुँच रहा। उस टिंकू वेरका जी ने उन्होंने आवाज़ उठाई सी अज तो 5-6 दिन पहला भी उन्होंने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया से पाई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जेकर सानू राशन गरीब परिवारों नहीं पहुँचता तो असी फिर ये गरीब परिवार सड़कों पर आने मजबूर हो जाएंगे। तो अज वह परिवार मजबूर हो गए सड़कों पर आने लिए। उन्होंने सड़कों पर आके अपना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया, अपना वध तो वध फासला पा के एक दूजे नाल बैठे गए, प्रोपर उन्होंने सैनिटाइज कराया गया, प्रशासन दीयां हदायतां नूं ध्यान च रखदिआं सारा काम किया गया। लेकिन साडे कौंसलर साहब ने आके टिंकू दे उत्ते हमला कर दिता। फिर सवेरे भी भाई मेरी उन्हां गल होई, मैं कहा मेरी गल सुन भी किन्हां नूं आटा नहीं मिलिया। वो जिहड़ी बीबी बोल रही सी, वह बीबी दे घर असीं 30 किलो आटा दे के आए हाँ, तो उस बीबी नूं कहो भी शहीदां साहब चल जाए मेरे नाल, तो गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी च मैं भी उत्थे चल जाना वा सौ खाले। भी उन्हें आख्या भी मैं विडो हाँ, तो वो इतों इतों तीकर उन्हें गोल्ड पाया सी। मैं कहा बीबी जी तुहानू तो लोड़ नहीं आ जिन्ना तुसीं गोल्ड पाया वा, भी तुसीं तो वैसे बड़े अमीर जे,
ਵੀ ਗੋਲਡ ਪਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਡੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਡੋ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ 20 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। सीएम योगी यूपी में बदमाशों पर लगाम लगाने की चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन उन पर लगाम लगाने में प्रदेश सरकार अब तक असफल रही है। ताजा मामला संभल के बनियाठेड़ क्षेत्र का है, जहां सोमवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर बदमाशों का घेराव किया, जिसमें एक बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी शुरू की। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और मुठभेड़ में पुलिस की गोली बदमाश को लगी, तो वहीं पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। ये जनपद संभल में बनियाठेड़ थाना को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इधर से निकल रहे हैं, तो उनकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें जब रोकने का प्रयास किया गया तो एक इन्होंने पुलिस पर फायर किया अपराधियों ने, और जिसमें पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक अपराधी जो बिलाल नाम का है वो घायल हुआ है, और एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी इसके बारे में जब जानकारी की गई है तो ये ज्ञात हुआ है कि ये इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन केसेस थे, कई थानों में सीएस एक्ट के लूट के मुकदमे हैं, और उन सभी की और भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है, और ये बहुत ही नोटोरियस अपराधी था। अभी घायल हुआ है और ये सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। कितने दिन से वांछित चल रहा था ये? हमारे रजपुरा थाना क्षेत्र से वांछित था, और ये अभी जब सूचना मिली थी तब घेराबंदी की गई थी बनियाठेड़ थाने में। अभी एक गाड़ी इसके पास से बरामद हुई है, पिस्टल बरामद हुआ है और कार्टेज बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में युवकों के गंगा नदी में डूबने का मामला सामने आया है। ताजा मामला बलिया के बेरिया थाना क्षेत्र के चांदियर चौकी के फकरू राय टोला का है, जहां बच्चे जानवर चराने के लिए अपने घर से सुबह निकले थे। जानवर चराते समय वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। गंगा नदी का पानी गहरा होने के कारण 5 बच्चों की गंगा नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों की मौत की सूचना जब गांव पहुंची तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। ताजा जानकारी के मुताबिक 5 में से 4 युवकों के शवों को नदी से बाहर निकाला जा चुका है, और वहीं अभी भी एक युवक की तलाश जारी है। ये 5 युवक फकरू राय के टोला के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने सभी बच्चों का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। ये थाना बहरिया जनपद बलिया में ये पुलिस चौकी चांदियर के अंतर्गत फकरू राय का टोला गाँव है, और ये गाँव का किनारा है। ये जो घाघरा नदी जिसको सरयू जी भी कहते हैं, ये नदी यहाँ से बहती है। ये गांव के बच्चे यहाँ पर सुबह जानवर चराने के लिए आए थे, लगभग 8 बच्चे थे ये। उसके बाद जानवर चराते चराते ये नदी में नहाने के लिए उतर गए। संयोग से कहीं ज़्यादा गहराई थी, इनको अंदाज़ा नहीं लगा, तो कुछ बच्चे उसमें डूबने लगे। 3 बच्चे बच के गए, गाँव में उन्होंने सूचना दी, फिर सब लोग आए, पुलिस को भी सूचना मिली, पुलिस भी आई। इस बीच दुर्भाग्य से 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। 5 में से 4 डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है और 5वीं के लिए प्रयास जारी है। लॉकडाउन का असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, वहीं पारिवारिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। दरअसल मामला यूपी के रामपुर के थाना क्षेत्र के विलासपुर से सामने आया है, जहां विलासपुर से उत्तराखंड को बारात प्रवेश नहीं कर पाई। वहीं गदरपुर के अंतरराज्यीय सीमा पर पड़ने वाले गाँव रतनपुरा में दुल्हन को प्रदेश की सरहद पर बुलाकर शादी करनी पड़ी। शादी के बाद दूल्हा के पास दुल्हन को उत्तर प्रदेश की सीमा में ले जाने की परमिशन ही नहीं थी, इसलिए मजबूरन दुल्हन को अपने मायके जाना पड़ा और दूल्हा अपनी नम आंखों से निराश होकर अपने घर बिलासपुर पहुंचा। यूपी के हाथरस में लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत जिले में जिला प्रशासन के आदेश पर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। हॉटस्पॉट इलाकों का पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में निरीक्षण के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पहले जिला में 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शहर के 3 जगहों को जिला प्रशासन ने सील कराया था। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने चिन्हित 3 जगहों का निरीक्षण किया और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से अधिकारियों ने जिला प्रशासन के नियमों का पालन करने की अपील की।
बिहार के भागलपुर में 3 दिन पहले 14 वर्षीय युवती के गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने का मामला सामने आया था। भागलपुर के पीरपैंती एकचारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टपुआ घाट पर डूबने से 14 वर्षीय लड़की निशा कुमारी की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार वह विजय मंडल की पुत्री है। अपने परिजनों के साथ बुधुचक से डोरा पर्व को लेकर स्नान करने आई थी। स्नान के दौरान गहरे पानी में चली गई। इसे देख माँ ने साड़ी फेंककर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह साड़ी सहित तेज धार में बह गई। घटना के 3 दिनों बाद ग्रामीणों ने शव को ढूंढ निकाला। घटना की सूचना मिलते ही एकचारी थाना प्रभारी मणिभूषण कुमार घाट पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।